संस्थान बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, आरबीसी टेंथ रिजल्ट कब आएगा इसको लेकर विद्यार्थी लगातार इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों, आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का रिजल्ट 17 जुलाई को आएगा। तो मेरे पास क्या प्रूफ है कि आपका रिजल्ट 17 जुलाई को आएगा, उन सब के बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बड़ी अपडेट आप यहां पर देख सकते हो कि इधर 10वीं का रिजल्ट 17 जुलाई को आ सकता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द हुए गुरुवार को एक माह पूरा हो गया है, लेकिन 21.60 लाख से अधिक विद्यार्थियों का रिजल्ट को लेकर इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ। यदि प्रमुख शासन सचिव शिक्षा के आदेश माने तो 10वीं का परिणाम 45 दिन के रद्द होने यानी 45वां दिन यानी 17 जुलाई को आ सकता है। हालांकि अब इसकी कोई भी किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन बोर्ड तैयारी में जुटा हुआ है। 12वीं का रिजल्ट भी 31 जुलाई से पहले घोषित हो सकता है, यानी कि दोस्तों आपके 10वीं और 12वीं का रिजल्ट है वो यहाँ पर आ सकता है। 10वीं का रिजल्ट है वो 17 जुलाई को आएगा, 12वीं का रिजल्ट है वो आपका यहाँ पर 31 जुलाई को आएगा। तो दोस्तों, दोनों कक्षाओं का रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कैसे बनेगा, कितने परसेंटेज बनेंगे। पढ़ाई में डाउट को कीजिए अलविदा, बस क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक कीजिए, क्रॉप कीजिए, डाउट नेट पर सेंड कर दीजिए। 2 सेकंड के अंदर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिर चाहे क्वेश्चन आपका फिजिक, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, क्लास 6 to 12, ITI, JEE मेंस एंड एडवांस वालों का हो या फिर CBSE बोर्ड, UPBR, महाराष्ट्र शासन, MPN, अन्य किसी भी बोर्ड का हो, यहाँ पर आपको मिल रही है दोस्तों डायरेक्ट लाइव क्लासेज, क्लास 6 to 12, ITI, JEE मेंस एंड नीट वालों के लिए। तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। दोस्तों, मेरे पास जो 10th का रिजल्ट को लेकर प्रूफ था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें।